आधा किलो गोश्त, इसका मटन स्टू बनाएंगे हम लोग। ये तीन प्याज हम लोग ने इसके लिए काट लिया है। ये उसके मसाला है, ज़ीरा, सफ़ेद इलायची, लौंग, सूखा मिर्चा और ये लाल मिर्च, वो गरम मसाला और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये टमाटर है, ये हम लोगों ने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया था, प्याज डाल दिया है, सूखा मिर्चा, सफ़ेद इलायची, लौंग, थोड़ा प्याज इसमें हमने डाला है, तेज़पत्ता भी डालेंगे, बाकी प्याज जो है कच्चा प्याज जो हम लोग ऊपर से डालेंगे, वो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये तेज़पत्ता डाल दिया हम लोगों ने, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और गोश्त को भून लेंगे। जितना गोश्त और अदरक लहसुन का पेस्ट को भून लीजिए, वही असल टेस्ट है। गोश्त जब तक भूनेंगे नहीं, जब तक मज़ा नहीं आएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला, गरम मसाला और लाल मिर्च। ऐड करेंगे जो प्याज हमने रख ली थी, ये ऊपर से डाल दिया हमने कच्ची प्याज। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर जो हमने मिक्सी में पीस लिया था, उसकी प्यूरी इसमें डाल लेंगे, उसको मिक्स करके उसको भून लेंगे और भूनने के बाद में उसको हम जो है कुकर में इसकी सीटी लगा देंगे कि गोश्त गल जाए। दो सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम। इसमें नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो नमक डाल दीजिएगा। हम इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं और सीटी लगा देंगे। ये मटन रेडी हो चुका है, हम इसको प्लेटिंग करेंगे। दोस्तों क्या हाल चाल है, मैं हूं सैयद मोहम्मद, आपके सामने नई रेसिपी लेके आया हूं मटन स्टू की। कैसी लगी वीडियो आपको? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।